अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं से, मोहब्बत से और प्यार से। और मैंने इतनी रात में वीडियो मैंने शूट की है तो इसका कोई रीज़न ही होगा। और मैं अपनी एडिटिंग कर रही थी, एडिटिंग करके मैं फ्री हुई थी बस, और मैं बस उसको अपलोड कर रही थी अपनी वीडियो को। तो वैसे ही आपको पता है कि जो ब्लॉगर होते हैं वो नज़र मार रहे होते हैं यूट्यूब पे ना। मैं स्क्रॉल कर रही थी यूट्यूब को ना, तो मेरे सामने से ना ये वीडियो गुजरी कि गोपाल भाई के छोटे भाई की डेथ हो गई है। तो मुझे पहले तो यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि अभी क्योंकि काफ़ी लोग जो है ना ऐसे झूठी अफवाह भी उड़ाते हैं व्यूज़ वगैरह लेने के लिए ना। तो मैं देख रही थी, मैं उसको मैं फिर लिख के भी सर्च कर रही थी, फिर मैंने गोपाल भाई का चैनल भी सर्च किया, बट उस पर ऐसी कोई वीडियो अपलोड नहीं हुई थी। मैंने काफ़ी सारे सुमेरा का भी देखा तो उस पर ऐसी कोई वीडियो अपलोड नहीं हुई थी। लेकिन फिर मैंने खान जी वगैरह इन लोगों की मैंने वीडियो देखी, तो फिर मैंने दो तीन और वीडियो देखी। तो मुझे वैसे गोपाल भाई के भाई का इतना आइडिया नहीं था, बस मैंने उसकी एक जब शादी की वीडियो थोड़ी देखी थी। और वैसे मैं सिर्फ मैं उनके एक जो भाई हैं शहजाद, और जो सामने रहते हैं ना उनको मैं जानती हूँ। उनका नाम मैं भूल गई हूँ, जहन में कंजी कंजी आँखें हैं जिनकी, तो उनको मैं जानती हूँ। बाकी मैं उनके छोटे वाले भाई को इतना नहीं जानती थी। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले तो उनके आई थिंक 2 दिन पहले आज उनके अब्बू का शायद सोयम था, तीजा था, हमारे में तीजा बोलते हैं सोयम, तो उनके अब्बू की, हाँ उनके अब्बू को मैंने देखा है, लाइव भी देखा है। क्योंकि मैं अक्सर उनके यहाँ जाती थी तो वो एक कमरे में रहते थे। वो उनके अब्बू ऐसे थे, वो किसी से इतना बातचीत नहीं करते थे, वो शायद अपने में है रिजर्व रहते थे। इनकी अम्मी तो सबसे घुलती मिलती हैं, लेकिन इनके अब्बू जो है ना उनको मैंने कभी नहीं देखा कि किसी से मिलते जुलते। बस आते थे, सलाम दुआ मैं उनसे करती थी कि अस्सलाम वालेकुम अंकल, उस तरह से ना बस। तो उनके अब्बू को तो मैंने देखा है, तो उनके अब्बू का भी सुन के मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। तो क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं ना वो अल्लाह की तरफ से आपके लिए एक नेमत होते हैं, जब उनका साथ छूटता है ना तो बहुत तकलीफ होती है, आपको नहीं पता। अच्छा, मुझे इस चीज़ का कभी आइडिया हुआ ही नहीं ना। जब मेरे अब्बू की डेथ हुई थी ना तब मुझे बहुत आइडिया हुआ था इस चीज़ का ना। फिर मैं जो है ना, मैं फिर किसी की भी सुनती थी ना कि किसी की डेथ हो गई है, तो मुझे ना वही चीज़ सेम याद आती थी अपने अब्बू के टाइम वाली, के हमारे अब्बू का एकदम से हमारे हाथ से हमारे अब्बू चले गए थे। बिल्कुल सही बातें करते हुए खाना खाया, एकदम से हमारे अब्बू की डेथ हो गई थी। तो मुझे ना उस टाइम के बाद से जो है ना, मैं दिल की ऐसी हो गई कि किसी की सुनती भी थी ना, मुझे अपने घर में बैठ के तकलीफ़ होती थी। और मैं सिर्फ दुआएं करती थी कि अल्लाह पाक उनके जो बच्चे हैं जो पीछे रह गए ना उनको सब्र जमील अता फरमा। जो जो दुख देता है ना वो फिर आप पे मरहम भी वही रखता है। लेकिन उस टाइम पे आपको नहीं समझ में आ रहा था, उस टाइम पे आपको नहीं समझ में आता, क्योंकि उस टाइम पे जो नया नया तरह तरह दुख होता है ना, तो क्योंकि पेरेंट्स का और जो बच्चों का एक रिलेशन होता है ना, ये मैं बयान भी नहीं कर सकती हूँ इस चीज़ को ना। तो उनके अब्बू का सुन के मुझे बहुत दुख हुआ था, और मैं जाने वाली हूँ उनके तरफ, मेरे का मैं जाके ताज़ियत करके आऊँगी। लेकिन गोपाल भाई वहाँ रहते भी नहीं है, लेकिन चले शहजाद वगैरह को तो मैं जानती हूँ, तो उनसे मैं कहा मैं। लेकिन जब उनके भाई का सुनो, और उनका यंग भाई यार, जवान बच्चे की डेथ, आप सोच सकते हो, जवान भाई, अभी उसकी शादी हुई है, उसकी बीवी प्रेग्नेंट है, अभी मैं वहाँ से 1 साल भी हुआ उनकी शादी को, उनकी बीवी प्रेग्नेंट है। और ये टाइम जो है ना एक औरत के लिए अपने हस्बैंड का साथ कितना ज़रूरी होता है, ये आप सबको पता होगा। तो बस तो सुन के भी ना बहुत अजीब सा लग रहा है, क्योंकि उन्होंने जो तकलीफ सही है, क्योंकि उनकी जो डेथ हुई है वो करंट लगने से हुई है, तो उनकी वाइफ पे क्या गुजर रही होगी इस कंडीशन में। मैं ये सोच सोच के ना मुझे कुछ हो रहा है, क्योंकि ऐसी कंडीशन, एक तो वो प्रेग्नेंट और बिल्कुल एंड टाइम, और फिर ये न्यूज़ कि उनका हस्बैंड नहीं रहा, क्योंकि वो तो चले गए, वो उस जहान में चले गए, लेकिन पीछे अब उनकी जो हस्बैंड वाइफ की जर्नी है ना, वो आप सोचें कि एक औरत कैसे सरवाइव करेगी अकेली इस कंडीशन में। तो अल्लाह पाक उनके लिए सिर्फ दुआ, मैं कहती हूँ दुआओं से भी तकदीर बदलती है, सिर्फ दुआ गो हैं उनके लिए। अल्लाह पाक उनको इतनी हिम्मत दे, उनके लिए इतनी आसानियाँ पैदा कर, गैब से उनकी मदद कर, कि ये दुख तो खैर कभी कम नहीं होगा, क्योंकि जो बच्चा दुनिया में आएगा तो उससे तो देखा ही नहीं होगा ना अपने फादर को। ये कितनी बड़ी नाम है वो है ना, महरूमियत के एक, क्योंकि मुझे इसका आइडिया है अच्छे से, क्योंकि मैंने अपने फादर को भी खोया है। और हम अभी सोचते हैं कि अगर हमने अपने फादर की कोई खिदमत नहीं की,
अगर हमें टाइम और मिल जाता, क्योंकि ये सब होता है, आपको रियलाइज होता है जब आपके जब आपका कोई अपना दुनिया से चला जाता है ना, फिर आपको रियलाइज होता है, उससे पहले नहीं होता। आप अपनी मस्ती में मगन होते हैं, ठीक है। अच्छा, माँ बाप की वैल्यू भी आपको नहीं पता चल रही थी जब तक आप पे गुजरे ना ना, जब हमारे फादर नहीं थे ना हमारे साथ, फिर हमें, हम कहते थे यार हमें, हमने अपने अब्बू की खिदमत ही नहीं की। ये तो टाइम था, उन्होंने बचपन से हमें पाला पोसा, अपनी मेहनत, अपनी जवानी ज़ाया की हमारे ऊपर, मेहनत की। अब उनका जो टाइम आया था उसमें हमें उनकी खिदमत करनी थी, उनको सुकून देना था, लेकिन हमें वो टाइम ही नहीं मिला, हमने किया ही नहीं। तो ये पछतावा ही बड़ा आपके दिल में होता है कि हमने अपने बाप की खिदमत नहीं की। तो फिर एक हमारे साथ ये हादसा, फिर दूसरा मेरी अपनी बेटी का जो हादसा हुआ था ना, तो उसने मुझे ना अंदर से तोड़ के रख दिया था। वो कहते हैं ना इंसान की ज़िंदगी की एक उम्मीद होती है आखिरी, वो ख़त्म हो जाती है जब आपका ऐसा हादसा होता है ना, तो आपकी जो है ना ज़िंदगी एक जगह रुक जाती है। लेकिन फिर कुछ आसपास के आपके लोग होते हैं ना, वो आपको उठाते हैं, पुश करते हैं, वो आपको दुनिया की तरफ लेकर जाते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जब मेरी बेटी चली गई थी ना दुनिया से, तो मेरी, मैंने कहा था मेरी दुनिया ख़त्म है, यहाँ पर वो नहीं है तो मैं नहीं हूँ। क्योंकि एक औलाद का दुख, मैं कहती हूँ अल्लाह पाक किसी माँ बाप को ना दिखाए, ये दुख ना काबिले बर्दाश्त है, नहीं हो सकता। तो अभी उनकी अम्मी को क्या हो रहा होगा कि उनका जवान बेटा गया है, तो ये तो वही जानते हैं, मेरे कहते ना कब्र का हाल जानता है मुर्दा, तो ये वही समझ सकते हैं कि उनके साथ अभी क्या हो रहा होगा। घर में दो दो मैयत, एक उनके हस्बैंड की, एक उनके जवान बेटे की। अल्लाह पाक उनके हस्बैंड की भी मगफिरत फरमाए, उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, और उनके बेटे की भी मगफिरत फरमाए, उसके आगे के रास्ते आसान करें, और उनकी जो फैमिली पीछे रह गई है ना, अल्लाह पाक उनको सब्र जमील अता फरमाए, और उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। क्योंकि ये जो मरहम है ना, ये इतनी जल्दी भी नहीं लगता, टाइम से लगता है। आप चीखते हैं अंदर से, रोते हैं, चिल्लाते हैं, अपने आप को मारते हैं, पीटते हैं, लेकिन आप कुछ कर ही नहीं सकते सिवाय रोने धोने के, या अल्लाह से दुआ करने के, अल्लाह पाक तू ही कोई रास्ता निकाल, तू ही इस जख्म पे, जख्म भी तुमने दिया है तो मरहम पट्टी भी अब आपने ही रखनी है। तो बस हम यही दुआ कर सकते हैं। इंसान उस वक्त पागल हो जाता है। मैं जैसे कुफर के बोल बोलती थी, मैं काफिरों को देखती थी ना कि उसके चार चार बच्चे, उसके पाँच पाँच बच्चे, उनमें से किसी को कुछ नहीं हुआ, मेरी एक थी वो भी चली गई। तो ये गलत है, ये कुफर के बोल रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन उस वक्त मेरे साथ ये कंडीशन थी तो मैं करती थी, लेकिन उसकी उसके बाद मैंने बहुत माफ़ी मांगी थी अपने अल्लाह से। लेकिन उसके बहुत गफुर रहीम है अल्लाह पाक, बहुत गफुर रहीम है। उन्होंने उसके बाद मुझे जो नेमों बदल दिया है उस चीज़ का, मुझे अल्लाह पाक ने उस बेटी से भी नवाजा जो उसने मुझसे ले ली थी ना, उसके बाद उसने बदले मुझे उसको फूल भी दिया। कि उसने एक, शायद मेरी बेटी की ज़रूरत वहाँ ज़्यादा थी जन्नत में, यहाँ मुझे नहीं थी, मुझे फिर दूसरी बेटी दी अल्लाह पाक ने माशाल्लाह। फिर मुझे अल्लाह पाक ने एक बेटा भी नवाजा। तो जब वो आपको देता है ना, आपको आजमाइश में डालता है, आप पे जख्म आपको देता है, तो मरहम पट्टी भी देता है आपको, वो उसका नेमो बदल भी देता है। क्योंकि हमें नहीं पता हमारे हक में क्या अच्छा है, अल्लाह जानता है कि हमारे हक में क्या बेहतर है, तो हम नहीं समझ सकते। अल्लाह के खेल जो है ना, वो वही जानता है, हम कुछ नहीं समझ सकते। बस इतना करते हैं अल्लाह पाक कि बस, मैं तो यही दुआ करती हूँ अल्लाह पाक बस इज्जत की मौत अपने घर में नसीब करना, बस जाना सबने एक दिन है, आज नहीं करनी। बस मैं इतनी मोहलत मांगती हूँ अपने लिए भी कि अल्लाह पाक इतनी मोहलत देना कि अपने बच्चों को इतना बड़ा कर जाए कि वो किसी के आसरे पे ना रहे। फिर माँ बाप, फिर ना माँ स्पेशली वो मरती भी सुकून से नहीं, उसको अपने पीछे बच्चों का ही रहता है। तो बस यही है, बहुत दुख हुआ मुझे इस चीज़ का। अल्लाह पाक उनके लिए आसानी करे और हम सबके लिए भी आसानी करे। तो बस यही वीडियो मुझे बनानी थी, और कुछ अल्फाज भी नहीं ना, इसी कंडीशन में बंदा क्या अल्फाज बयान करे दुआओं के अलावा, क्योंकि उनको इस वक्त जो सिर्फ दुआ की ज़रूरत है। क्योंकि वो जहाँ चले गए हैं, वहाँ पे एक दफ़ा बंदा चला जाता है ना, तो हमारे अमाल ख़त्म हो जाते हैं वहीं पर ही। अब हम कुछ कर नहीं सकते ना, अच्छे काम ना बुरे काम, जो हमने पहले किए हुए हमने सिर्फ उसका हिसाब देना है। तो फिर हम जाके, हमें बाद में पछतावा होता है ना बाद में, कि हमने कुछ ऐसा काम अच्छा नहीं किया। अल्लाह पाक हमें एक दफ़ा और ज़िंदगी मिल जाए तो हम अच्छे काम करेंगे, अपनी नेकियां बढ़ाएंगे। तो बस अब सिर्फ उनको दुआओं की ज़रूरत है कि अल्लाह पाक उनके आगे के जो रास्ते हैं ना, क्योंकि असल ज़िंदगी वो है। ये तो हम आरजी तौर पे जी रहे हैं, कब हम गए, कब हमारे ठोकर लगी, आंख बंद हुई, सोए हैं, नहीं उठे। जो हमारे अमाल है ना, वो हमारे साथ एंड तक जाने हैं, और वो ज़िंदगी हमारी बहुत बड़ी है, तो हमें उसकी भी तैयारी करनी है। तो बस यही दुआ करते हैं अल्लाह पाक उनके आगे के रास्ते आसान करें, और उसके सदके में हमारे लिए भी आसानी पैदा करें। आमीन, इलाही आमीन।
तो बस नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह पाक मेरी माँ का साया और जितने भी लोग हैं उनके माँ का साया उनके सरों पे सलामत रखे, ये बहुत बड़ी नेमत है। तो जितना हो सके ना इनको ऐसे रखा करो हाथों पे। चलिए जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।